व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज हम बात करने वाले हैं उजुमाकी क्लैन के बारे में, तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। उजुमाकी क्लैन आशुरा के डिसेंडेंट्स हैं, जस्ट लाइक द सेंजूस। आशुरा के डिसेंडेंट्स होने के कारण उजुमाकी अपने बर्थ से ही नॉर्मल पीपल से 4 से 5 गुना ज्यादा चाक्रा होल्ड करते हैं, और ये उनकी वन ऑफ द एबिलिटीज में से आती है। उजुमाकी लैंड ऑफ वर्ल्ड पूल में रहते थे। उजुमाकी में एक कॉमन चीज ये है कि उनके बाल रेड होते हैं, एग्जाम्पल नागाटो, कुशीना एंड करीन, और उनका लोगो भी यही दो चीजों से बना है। आउटर पोर्शन रिप्रेजेंट्स द वॉर्टेक्स इन वर्लपूल एंड इनसाइड रेड कलर रिप्रेजेंट्स देयर हेयर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ उजुमाकी मेंबर्स की, तो हमारा लिस्ट का पहला मेंबर आ जाता है उजुमाकी नागाटो। नागाटो ने बचपन में ही अपने आंखों में रिनेगन इम्प्लांट करा लिया था। इससे पता चलता है नागाटो इज वेरी ड्यूरेबल, बट रिनेगन की वजह से उसका फिजिकल बॉडी डैमेज हो गया था। नागाटो ने ट्रेनिंग मास्टर जिराइया से ली है, थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम। इसके कुछ स्पेशल पावर्स नहीं है अदर देन इज रिनेगन एबिलिटीज, और रिनेगन के एबिलिटीज मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, तो बेल आइकन प्रेस कर लेना। सेकंड मेंबर की बात कर लेते हम लोग, जो कि है उजुमाकी कुशीना। कुशीना का स्पेशल पावर था एडामेंटिन चेन्स। इससे ज्यादा कुशीना की पावर हमें एनिमे में नहीं दिखाई गई है या फिर मांगा में नहीं दिखाई गई है। थर्ड मेंबर है कारिन। कारिन की भी स्पेशल एबिलिटी है एडामेंटिन चेन्स, जो वो खुद से अवेक कर लेती है। और सेकंड है कारिन कैन सी गुड और बैड चक्रा, इसका मतलब वो सेंस कर सकती है किसका चक्रा बैड है और किसका चक्रा गुड है। फोर्थ मेंबर है हमारा उजुमाकी नारुतो। इसे कौन नहीं जानता, इसे सब जानते हैं, और इसके पावर्स मैं क्या डिस्क्राइब करूं, आप मुझे डिस्क्राइब कर देंगे। इसका बस एक ही एबिलिटी है एज एन उजुमाकी, इसके रेड हेयर नहीं है। तो ये था हमारा वीडियो आज का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कुछ बोलना है तो कमेंट कर देना, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। पीस आउट।